गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो आज हम आए अपने खेत पर काफ़ी दिनों के बाद और दिवाली भी हो चुकी है। तो बेसिकली प्लान ये है कि हमारी फील्ड थोड़ी उबड़ खाबड़ हो गई हैं, तो उसको हम समतल कराने के लिए हमने ट्रैक्टर मंगाया है और ट्रैक्टर लेबलिंग करेगा खेत। तो बहुत से लोग होंगे मेरे जो फ्रेंड्स हैं या मान लो जो जानने वाले हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि बड़ी बड़ी फील्डों को कैसे समतल किया जाता है, तो उसे हम दिखाते हैं आपको। और एक छोटा सा ब्लॉग है इसलिए बनाया है थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए भी कि कुछ लोग सोचते हैं कि खेती बाड़ी कैसी होती है, फिर ज़मीन समतल कैसे होती है, तो उसी के लिए हम तैयार कर रहे हैं। और थोड़ी सी हवा तेज़ चल रही है, अच्छी खासी है, लेकिन ज़्यादा धूप भी नहीं है, ज़्यादा तेज़ है, तो कुछ लोगों को थोड़ा इशू होगा कि आवाज़ थोड़ी सही नहीं आए। चलो दिखाते हैं। आप जो ट्रैक्टर चल रहे हैं देख रहे हैं, फील्ड में ट्रैक्टर चल रहा है, यही है वो जिससे खेत एकसार होते हैं। पहले ही ऊबड़ खाबड़ था पूरा फील्ड देखिए, और अब जो चल रहा है ट्रैक्टर, अभी आएगा देखिए। मिट्टियों को जो जहाँ गड्ढा होता है वहाँ मिट्टियाँ अपनी आपस में डाल देता है, यहाँ पे गड्ढा है, जहाँ गड्ढा है वहाँ पे मिट्टी छोड़ देता है, और जहाँ ऊँचा है वहाँ से मिट्टी उठा लेता है। देखिए अभी ये बिल्कुल लेवल है, तो इसके पहिए मिलके चल रहे हैं, और जैसे ही यहाँ गड्ढा आएगा उसके पिछले पहिए देखना है, जो पीछे हैं वो उठ जाएंगे वाले पहिए। अभी ट्रैक्टर आ रहा है, मोड़ने लगा है, देखिए यहाँ पे ये पहिए उठ गए हैं, यहाँ पर ये बहुत ऊंचा है, इसका मतलब ये इसके ऊपर एक एंटीना सा लग रहा है, ये ट्रांसमीटर है, और इसका सेकंड एंटीना इधर वो फील्ड पर खड़ा है, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, जो बाइक खड़ी है उसके बराबर है। हम इसे पास से दिखाते हैं आपको, पास से दिखाते हैं, उसमें फिर किसी घूम रही है, तो फाइनली अब हम ट्रैक्टर पर आ चुके हैं। और ये रेड कलर का मीटर देख रहे हैं, ये इसका मैनुअल मीटर है, जैसे कि किसी आपस जैसे कि हम किसी कारणवश ऊपर नीचे करना चाहें तो हम आराम से कर सकते हैं, साथ ही साथ हम इसको मैनुअल भी कंट्रोल कर सकते हैं कि किसी स्थिति में ऐसा होता है कि ज़्यादा मिट्टी आती है और हम ट्रैक्टर को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, तो उसी के हिसाब में हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं और ट्रैक्टर ईजीली आगे बढ़ जाता है। अब देखिए इसमें मिट्टी उठा ली है ज़्यादा, और जहाँ नीचे है वहाँ ऑटोमेटिकली धीरे धीरे मिट्टी अपने आप गिरती रहती है, और एक इसी तरीका से समतल होता है। और साथ ही में अगर इसकी प्राइस की बात करें तो अराउंड 3.5 लाख से रुपए से स्टार्ट होता है इसकी प्राइस, और लगभग 5-7 लाख तक इसकी प्राइस जाती है, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी क्वालिटी और ट्रैक्टर वाइज आती है इसकी। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा मिट्टी उठा ली है, और पीछे के टायर पूरी तरीका से उठ चुके हैं, और साथ ही साथ इसे हम मैनुअल के कंट्रोल करने के साथ साथ हम इसे एक के ट्रैक्टर के साथ दो दो ट्रैक्टर भी कनेक्ट कर सकते हैं इसके एंटीना से, और इसमें ये ऑटोमेटिकली गियर शिफ्टिंग होती है। और अभी ये ट्रैक्टर हमारे पास अर्जुन 605 DI है, और हमने लगभग अपना पूरा खेत को एकसार कर ही दिया है, और ये पीछे मैनुअल कंट्रोल है, इसमें दो बटन है ऊपर नीचे के, और साथ ही ये हत्ता है जो कि इससे हम ऊपर एंटीना को कंट्रोल करते हैं अपने लेवल के लिए, जो कि एक बार में ही सेट करना होता है। और फाइनली हमारी वीडियो समाप्ति की तरफ है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।